दोस्तों वेलकम करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो के अंदर। आज हम बनाने जा रहे हैं ये अमेजिंग कप का मोकअप। इंतहाई आसान तरीके से आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को टाइम जाया किए बगैर आइए मूव होते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने अपने कप के इमेज को ओपन कर लेना है फोटोशॉप के अंदर। मैंने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया फोटोशॉप के अंदर। सबसे पहला जो स्टेप है वो हम इस जो ऊपर जो टेक्सचर है जो ऊपर इसके ऊपर जो टेक्स्ट है हमने इसको रिमूव करना है। कंट्रोल प्लस से जूम इन मैं करूंगा और मैजिक बैंड को सिलेक्ट करूंगा मैं यहां से, और शिफ्ट की मदद से मैंने क्लिक करके शिफ्ट को और उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब सारा का सारा सिलेक्ट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, हो जरूर जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो उसके शॉर्टकट के लिए हम सेलेक्ट में जाएंगे और सिमिलर पे हम क्लिक करेंगे तो वो जितना तरह का टेक्सचर है उसको वो सेलेक्ट कर लेगा। तो हम यहाँ सर जाएंगे सेलेक्ट के अंदर अगेन मॉडिफाई में जाएंगे और एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे और अब की बार हमने 5 पिक्सल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने और ओके कर देना है। अब देख सकते हैं कि इसने थोड़ी सी बाहर की तरफ सिलेक्शन ली है, ये इसलिए ली है ताकि अगर हम इसको फिल करें तो वो किसी किस्म का उसके ऊपर कोई डिजाइन बाकी ना रहे। हम एडिट पे जाएंगे, कंटेंट अवेयर फिल पे क्लिक करेंगे ताकि ये एरिया हमारा ऑटोमेटिक फिल हो जाए। आप प्रीव्यू के अंदर देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिक यहाँ से इस एरिया से उसने पिक करके उसको फिल करा। मैं कहता हूँ ओके, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल डी से मैंने इसको डी सेलेक्ट किया ताकि सिलेक्शन खत्म हो जाए। तो ये आप ये देखें परफेक्ट किस्म की उसने सिलेक्शन कर दी है। दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट की मदद से, राइट क्लिक करूंगा और मर्ज कर दूंगा दोनों लेयर्स को। दोबारा मैं मैजिक वैंड पर जाऊंगा और उसकी मैं सिलेक्शन लूंगा कप की, शिफ्ट को प्रेस करूंगा और मैं अपने पूरे कप की सिलेक्शन ले लूंगा। जूम इन करेंगे कंट्रोल प्लस से और ये जो हैंडल का एरिया है इसको मैं एक्सक्लूड करूंगा। तो यहां से मैंने माइनस पे क्लिक करने हैं और लेसर टूल मेरा सिलेक्ट है, आपने मेक श्योर कर लेना है, और इतने एरिया को मैंने यहां से निकाल देना है। आप देख सकते हैं ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जाके मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा और ऑल्ट एंड बैक स्पेस से मैंने इसके अंदर एक कलर फिल कर लेना है, कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जाना है डेस्कटॉप के ऊपर और यहां से एक मेरा टेक्सचर अपना डाउनलोड करके रखा हुआ है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा फोटोशॉप के अंदर। इसको मैं रोटेट करूंगा और टॉप के ऊपर रख के मैंने यहाँ बॉटम के ऊपर इसको ट्रांसफॉर्म करके इसकी हाइट और वेट अकॉर्डिंग द डिजाइन सेट कर लेनी है। और यहां से मैं राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे मैं क्लिक करूंगा। आपने मेक श्योर करना है कि ये जो लेयर है जिसमें कलर फिल किया है टेक्सचर लेयर इसके ऊपर हो, अगर ऊपर नहीं होगी तो आपका क्रिएट क्लिपिंग मास्क नहीं होगा, ये आपने मेक श्योर कर लेना है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर फिल किया था कलर हमने, लेयर्स के चैनल्स में जाना है मैंने और यहां से मैंने मल्टीप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। मल्टीप्लाई पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसी लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा। और यहां से जाने के बाद मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन पे मेरा क्लिक है और यहां पर इसका हम थोड़ा सा एडजस्ट करें इसकी लाइट को। मैंने ऑल्ट के बटन को प्रेस करूंगा और यहां से ये डिवाइड हो जाएगा, इसको मैंने आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करना है। सेम हमने ब्लैक को भी इसी तरह ऑल्ट क्लिक करना है और यहां से इसको मैंने इंक्रीज कर देना है और ये करने के बाद मैंने इसको ओके कर देना है। अब देखिए तो ये एरिया हमारा यहाँ पे व्हाइटनेस काफी ज्यादा आ रही है, तो मैंने कंट्रोल के बटन पे क्लिक करना है और इस लेयर आइकॉन के ऊपर मैंने क्लिक करना है। मेक श्योर कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है और इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है तो मेरे पास सिलेक्शन आ गई। थोड़ी देर के लिए इमेज मैं हाइड कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। बैकग्राउंड लेयर्स के ऊपर मैंने एक न्यू लेयर मैंने क्रिएट की और यहां से मैंने आई ड्रॉपर लेके और यहां से ग्रे कलर जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहां से मैंने ब्रश लेना है और ब्रश लेने के बाद मैंने ओपेसिटी जो है उसकी 50 कर ली है और यहां से इसको मैंने इस तरह से ब्रश के साथ इसको इस एरिया को मैंने फिल कर दिया और कंट्रोल डी के साथ डी सिलेक्ट कर दिया है। अब जब मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मैं ऑफ करूँ तो आप देखें कि वाइट एरिया क्या हो गया है। इसको मैं थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी डाउन करूंगा ताकि उसकी जो फीलिंग है वो ऐसा है जैसे वो मॉकअप वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा Adobe फोटोशॉप के अलावा
Adobe Illustrator After Effects Premiere, Search Engine SEO और WordPress के ट्यूटोरियल्स आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।